राजधानी दिल्ली के गाजीपुर थाना इलाके में स्थित डेयरी फार्म में दूध कारोबारी की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप दूध कारोबारी के नौकर पर है, जो हत्या करने के बाद से फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान आनंद 26 वर्ष के रूप में हुई है। आनंद मंडावली इलाके में रहता था और पिछले कई साल से गाजीपुर डेयरी फार्म में दूध का कारोबार करता था। परिजन के मुताबिक 2 अक्टूबर को ही आनंद की सगाई हुई थी और 7 फरवरी को आनंद की शादी थी, लेकिन शादी से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। कल रात आनंद गाजीपुर स्थित अपनी डेयरी पर गया तो उसे पता चला 1 महीने पहले जिसे आनंद ने नौकरी पर रखा था वह डेयरी पर गांजा बेचने लगा, जिसे लेकर आनंद ने उसे खूब डांटा और थप्पड़ भी मार दिया। डेयरी पर जब सुबह दूध लेने लोग पहुंचे तो आनंद खून से लथपथ सोफे पर पड़ा हुआ था और उसकी आंख के ऊपर गहरा जख्म था और खून बह रहा था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि आनंद की गोली मारकर हत्या की गई है। हालांकि पुलिस गोली से हत्या की पुष्टि नहीं कर रही है। घटना से 1 महीने पहले रखा गया नौकर फरार है, जिससे पुलिस व परिजनों को आशंका है कि नौकर ने ही आनंद की हत्या की और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फरार नौकर की तलाश कर रही है। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट से ही साफ होगा कि आनंद की जो हत्या हुई वो कैसे की गई। घटना का तो कुछ पता नहीं लगा, मगर वहाँ एक दुकानदार था, उससे पता लगा कि वो कल कोई वहाँ पे आया था तो उस बच्चे को बताया कि इसमें वगैरह बेचता है, यहाँ पे गांजा वगैरह बेचता है। तो बेटा डेयरी पे आया तो उसने कहा कि भाई तू यहाँ पे ये काम मत कर। उसे कल ही पता लगा उसके बारे में, तो उसने बताया, उसने उसे गाली गलौज दे दी, उसने उसे छांटा वांटा मार दिया होगा। या आगे की जो कहानी है, फिर वो कह रहा है कि फिर पता नहीं उनका क्या बातचीत हुई, कैसे हुई, क्या नहीं हुई, शोरगुल नहीं हुआ। ये बात है करीब 6 और 5 के लगभग की, और उसके बाद में 8 बजे उन्होंने गेट बंद किया है। 8 बजे के बाद बताता कि यहाँ पर कोई शोरगुल नहीं हुआ। ये दूध की डेयरी है, उसकी भैंसों का काम है, गाय भैंसें। ये तो 3-4 साल हो गए, पापा ख़त्म हो गए थे जब से कर रहा, उनके पापा बहुत दिन से करते थे। ये उनका एक का ललित नाम बता रहे हैं, हमें निश्चय पता नहीं है, हो सकता है उसके मोबाइल में नंबर हो। एक पुराना नौकर भी आया था 2-3 दिन पहले, तो ये पता नहीं उसका नाम क्या है। पुलिस ने क्या बताया? काका काका कहते हैं। हमको तो करीब 6 बजे करीब पता लगा, 5-6 बजे, और घर उनकी मम्मी को कै बजे पता लगा ये पता नहीं। पुलिस वाला तो जाने नहीं गया था। ब्लड वगैरह कुछ देगा आपने कहाँ से? ब्लड वगैरह मुँह झका हुआ था। तो ये मतलब क्या काम करता था लड़का? कुछ क्या काम करता था ये लड़का? दीदी के अंदर कोई गलत चीज़ बेचता था क्या? दीदी गलत चीज़ का मतलब अंदर में दो बंदा आते रहते हैं, दूध दे रहते हैं, दूध लेने के लिए आते हैं, कोई भी बंदा आते हैं, हम तो जाते नहीं दीदी के अंदर कोई। आनंद कितने दिन से दूध का काम कर रहा था? आनंद तो समझ लो इस डेयरी पे आया कम से कम 6 महीना हो गए यहाँ रह लिया। अच्छा, गांजे वांजे का क्या हुआ? वो का बोला ला वो डेयरी में गल्ला लगाता था, जाता था आदमी, तो मैं बोला आनंद से आनंद तुम्हारा बंदा नहीं सही है, बोला भाभी 4-5 दिन में इसको हटा दूंगा। क्योंकि गांजे बेचता था? हाँ जाता था। वो कितने दिन से काम कर रहा था इनके पास? अभी 1 महीना हुआ होगा, कम में हुआ। नाम वाम पता कुछ? ये डेयरी वाले जानते थे, डेयरी में बंदा काम करता। कहाँ का रहने वाला? वो बिहार का। कितनी उम्र होगी उसकी? ये तो मेरे भाई साहब जानते, उम्र हुआ। और लड़का था, बुजुर्ग था, कौन था, कितना था? इससे पूछ। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।